जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, या हम यूं कहें कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जियो फाइनेंशियल, उनके लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है। क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े एनालिस्ट के तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस टारगेट है उनको घटा दिया गया है, या हम यूं कहें कि जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से ये 300 के नीचे तक भी जा सकता है, ऐसा मानना है बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म की तरफ से। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, एक जो हमारे सबसे बड़े ब्रोकरेज फॉर्म जो कि मोतीलाल ओसवाल है, इन्होंने जियो फाइनेंशियल पे न्यूट्रल की राय दी है और इन्होंने बताया है कि जिस प्राइस पे अभी जियो फाइनेंशियल ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही ऊंचे स्तर पे है, जो कि जिस तरह से इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है। फिलहाल अभी इसमें करेक्शन आएगा और इनके तरफ से जो टारगेट दिया गया है वो है 250 से लेके 275 के बीच में पर शेयर का हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। भले ही कंपनी का जो हमें जो कम्बिनेशन है ब्लैक रॉक के साथ हमें टाई अप होता हुआ देखने को मिला है, तब पर भी अभी इनका जो बिजनेस मॉडल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा तब हमें इसमें कुछ अच्छा वेरिएशन देखने को मिलेगा प्राइसेस में। लेकिन फिलहाल अभी ये काफी ऊंचे स्तर पर है और यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, ऐसा माना है मोतीलाल ओसवाल का। एक जो है हमारे इंडियन ब्रोकरेज फॉर्म जो कि आईसीआईसी डायरेक्ट, इनके तरफ से भी होल्ड करने की राय दी गई है जियो फाइनेंशियल में और इन्होंने भी अपने तरफ से टारगेट दी है जो कि 270 से लेके 280 तक का प्रति शेयर का हमें दाम देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बड़ी अपडेट है जो दोस्तों जियो फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि बैक टू बैक बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म की तरफ से इनके प्राइसेस घटाई गई है। एक और है आपके इंडियन ब्रोकरेज फॉर्म जो कि HDFC सिक्योरिटीज देखने को मिलते हैं। इन्होंने HDFC सिक्योरिटीज ने JFSL के ऊपर एक्युमुलेट रेटिंग दी है और उन्होंने कहा है कि कंपनी की दीर्घकालिक विकास योजनाओं और मार्केट पोटेंशियल को देखते हुए इसे धीरे धीरे जमा करने की सलाह दिया है। मतलब कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करें, जो कि मैंने आपको काफी बार वीडियो में बता चुका हूं कि कभी भी एक बार में खरीदारी ना करें, हमेशा धीरे धीरे से ही खरीदारी करें। और इन्होंने अपने तरफ से कुछ टारगेट्स दिए हैं जो कि 300 से लेकर 320 के बीच में प्रति शेयर का हमें प्राइसेस देखने को मिल सकता है, ऐसा मानना है। एक और है प्रभुदास दिलाधर जो कि काफी बड़ी ब्रोकरेज फॉर्म है ऑल ओवर वर्ल्ड के हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने JFSL में बाइंग की रेटिंग दी है दोस्तों, मतलब जितने भी एनालिस्ट अभी तक हमने देखा उन सब में से ये पहला ऐसा एनालिस्ट है जो कि बाइंग का रेटिंग दिया है। इसके अनुसार कंपनी के पास भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में बड़ी संभावना हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसा मानना है प्रभुदास दिलाधर के। और इन्होंने अपने तरफ से कुछ टारगेट प्राइस दिए हैं जो कि 325 से लेके 350 रुपीज के बीच में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि दोस्तों ये है कि अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है अभी हमें 325 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। अगर प्रभुदास दिलाधर के हिसाब से अगर ये शेयर उठता है तो 350 के लेवल तक जा सकता है, यानी यहाँ से हमें 25 रुपीज तक देखने को ऊपर मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अभी एक दो दिन पहले ही अपनी 6% की तेजी भी दिखाई है। तो भले ही वहां से हमें थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म की तरफ से काफी बड़ी डिक्लाइन दिया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और इन्होंने कुछ और बातें भी बताई है। इन्होंने कहा है कि JFSL का डिजिटल फास्ट अप्रोच, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उनकी भूमिका और नए वित्तीय उत्पादों का लॉन्च इसे भविष्य में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन सकता है। मतलब कि इनका भी वही कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले समय में ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल निभाने वाले पूरे इंडियन मार्केट में और आगे भी हमें पूरे वर्ल्ड के लेवल पर भी देखने को मिलेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रभुदास दिलाधर ने अपने तरफ से ये शॉर्ट टर्म जो टारगेट दिया गया है ये 325 से लेकर 350 तक, ये हमें लगता है कि अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली में ही सुना कि पेरिस में इन्होंने अपने जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। कुछ और डाटा है दोस्तों, हम बात करेंगे उनके ऊपर भी। चलिए दोस्तों उनके ऊपर भी देखते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। अगर आप हमारा चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर ब्रोकरेज हाउसेस के नजरिए काफी हद तक निगेटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से वे निवेशकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निवेशकों को, तो आप इसके प्रति अपने ध्यान में जरूर रखें। और इन्होंने अगर कुछ बात कही है तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगा जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर इतनी बड़ी बात कहें। अगर अभी आप कुछ गौर करोगे तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि काफी उत्साहित है
जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करने को लेकर, लेकिन जिस प्राइसेस पे अभी ट्रेड कर रहा है इनका वैल्यूएशन काफी हाई देखने को मिल रहा है। एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है जियो फाइनेंशियल, या हम कहें इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जोमेटो ट्रेंड एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वेल शेयर्स टू ज्वाइन निफ्टी, ये बहुत ही जल्द निफ्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और ऐसा कहना है नुबामा का, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे तो ट्रेंड कुड सी $500 मिलियन इन पैसिव इनफ्लो, वाइल वीईएल कुड सी $440 मिलियन इनफ्लो। इन केस जोमेटो एंड जेएफएस सी एफएनडो इंक्लूजन, ट्रेंड एज जेएफएस एंड ट्रेंड में इंटर निफ्टी, वाइल एलटीएम माइंडट्री डीवी स्लैब एंड बीपीसीएल में सी इंक्लूजन। हां दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो को पहले एफएनडो में उसको इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी निफ्टी 50 में अगर उसे इंक्लूड करना है तो पहले एफएनडो में होना जरूरी है। और जिस तरह से अभी अपडेट आई है कि जो हमारे ट्रेंड है और बीईएल इनको निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाएगा, वहीं हम बात करें जोमेटो और जेएफएस को जिसको एफएनडो में इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाएगा और आपके जो एलटी माइंडट्री डिविस लैब बीपीसीएल इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो काफी बड़ी अपडेट है और इनके इस प्रोग्रेस लेवल को देखते हुए इस निफ्टी 50 में इंक्लूड करने की बात कही गई है। अगर आप एक डाटा और देखोगे यहाँ पे जो सीनियरियो 2 है, इफ जियो फिन एंड जोमेटो इंटर एफएनडो सेगमेंट बिफोर इंडेक्स रेजिस अनाउंसमेंट लेटर हाफ ऑफ अगस्त 24, यानी जोमेटो, जियो फिन और ट्रेंड इन तीनों को एफएनडो सेगमेंट में शामिल किया जाएगा और इनके बदले में जो ये किनकी जगह लेने वाले हैं, ये एलटीआईएम, फिर डीवी स्लैब और बीपीसीएल, इन तीनों का जगह हमें लेते हुए देखने को इनके तरफ से मिलने वाला है। और ये जो अनाउंसमेंट होने वाली है अगस्त 24 यानी अगस्त 4th वीक में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज है जियो फाइनेंशियल, लेकिन फिलहाल अभी हमें ऐसा कहना सही नहीं होगा कि उनको इंक्लूड कर ही दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे नुबामा का कहना है। तो अब कब ऐड होते हैं वो तो जब अनाउंसमेंट किया जाएगा सेबी की तरफ से, तब हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों पूरे मिला के हमें एक अच्छी गुड न्यूज देखने को मिली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और एक और अपडेट दिया गया है दोस्तों, अगर आप यहाँ सिनेरियो 3 देखोगे तो जोमेटो और जियो फिन में से कोई एक ही है जो हमें एफएनडो में इंटर होता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब चांसेस ज्यादा है कि दोनों में से जोमेटो और जियो फिन में कोई एक ही होगा जिसको एफएनडो में शामिल किया जाएगा। और ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड का तो ऑलवेज को 24 अगस्त को इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें मालूम है कि जियो फाइनेंस के पास अप्रोच काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके मालिक के पास ही काफ़ी ज़्यादा हमें अप्रोच देखने को मिलते हैं। तो 95% चांसेस यही हुआ कि एफएनडो में जियो फिन को ही शामिल कर दिया जाएगा। तो अब क्या होता है वो तो 24 अगस्त के ही मालूम चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको दो बड़े बड़े अपडेट्स आपको दिए, बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से काफी बड़ी अपडेट्स आई, काफी बुरी खबर भी देखने को मिली और कुछ अच्छी खबर भी देखने को मिला, क्योंकि जल्द ही निफ्टी 50 में ये शामिल भी हो जाएगा, उसके पहले इसे एफएनडो में शामिल किया जाएगा। तो काफी अच्छी अपडेट्स भी हमें मिलने देखने को मिली है। दोनों मिला के दोस्तों बात यही निकलता है कि आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करें। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जो होते हैं वो बिना रिसर्च किए, बिना कोई चीज़ ढूंढे पता लगाए, वो कोई भी चीज़ अपने ऐसे ही नहीं कह देते हैं, कोई भी रिपोर्ट नहीं देते हैं। उनके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें होती है, जिसके कारण जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमें भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है जियो फाइनेंशियल को लेकर, क्योंकि आने वाले अगर गिरावट होती है तो लॉस भी तो हम ही लोग का होगा। इसलिए आप खरीदारी अगर करेंगे, जो लोग नए खरीदारी करने की सोच रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदारी करें, अपने फंड को एक बार में यूज ना करें। अगर आपके पास 100% फंड है तो 20% का 5 बार आप इस फंड में लगाएं अगर गिरावट होता है तो। तो ऐसे ही आप अपना खुद का रूटीन बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से वही कहूंगा, एक बार में आप इन्वेस्ट ना करें। और ये जो भी मैंने चीज़ बताया है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं यहाँ जितनी भी बातें बताया हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बताया हूँ। और आपका क्या राय है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो दोस्तों, तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके इस लाइक से हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों।